बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपको बचे हुए कपड़ों से 4 साल की बच्ची की शर्ट और स्कर्ट बनाकर दिखाऊंगी। ये ट्रोजर में से बचा हुआ पीस है, ये ट्रोजर में से बचा हुआ एक ही पीस है। साइड से ये ऊपर से निकला हुआ पीस है, इससे मैं स्कर्ट तैयार करूंगी और इससे मैं शर्ट तैयार करूंगी। ये कमीज में से बचा हुआ पीस है, इससे मैं शर्ट बनाकर दिखाऊंगी। ये बैक साइड से निकला हुआ पीस है और ये फ्रंट साइड से निकला हुआ पीस है। पहले मैं स्कर्ट की कटिंग कर लूंगी। इसकी लंबाई 14 इंच है, चौड़ाई इसकी 19 इंच है। ये डबल फोल्ड किया हुआ है। अब मैं इसकी 4 तहें लगा लूंगी। इस पीस को इसकी साइड पे अटैच करूंगी। इसे मैं इस तरह से तिरछा फोल्ड करूंगी। और इसका अजाफी पीस उतार दूंगी। अब नीचे से भी अजाफी पीस कटाई कर लूंगी। ये पीस इस तरह से अटैच करूंगी दोनों साइड पे। और इसमें चोंच डालूंगी यहां पे इस तरह से। ये पीस मैंने 4 इंच चौड़ा लिया, लंबाई इसकी लिया 16 इंच। अब इसे इस तरह से इसके साथ अटैच करूंगी ऊपर इसके। इसमें अलास्कर डालूंगी और नीचे इसके इस तरह से चोंच डालूंगी। इसके दरमियान में ये वाली पट्टी अटैच करूंगी। इसकी चौड़ाई मैंने ली है, 3 इंच। लंबाई मैंने इस कपड़े के हिसाब से ली है। यहाँ पे इसे इस तरह से डबल, ये पीस कम था, ये पीस इसके साथ अटैच करने के बाद इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी और इसे सीधा कर लूंगी। सीधा करने के बाद यहां पे अटैच करूंगी और इसके ऊपर बटन अटैच करूंगी। इसकी कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब शर्ट की कटाई कर लूंगी। ये डबल पीस है। इसकी चौड़ाई 14 इंच है। इसके साथ ये वाला पीस अटैच करूंगी, ये भी मैंने डबल पीस लिया है। लंबाई इसकी 20 इंच है, 2 इंच मैंने अजाफी दी है, 18 इंच मैंने इसकी लंबाई रखनी है। अब मैं इसे 4 तह में फोल्ड कर लूंगी। ये कपड़ा भी मैंने 4 तह में फोल्ड किया हुआ है। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इसे इस तरह से ऊपर रखा है, आधा इंच ऊपर रख के। बैक साइड से फ्रंट साइड का पीस मैंने 1 इंच ज्यादा रखा है। इसकी मैं पट्टी तैयार करूंगी। फ्रंट साइड की चौड़ाई मैंने 14 इंच रखी है, बैक साइड की चौड़ाई मैंने रखी 12 इंच। तीरे की लंबाई रखूंगी 5.5 इंच, गहराई भी 5.5 इंच।
चेस्ट की चौड़ाई 7 इंच, आधा इंच ज्यादा लूंगी सिलाई के लिए। कमर की चौड़ाई रखूंगी 6 इंच, आधा इंच इजाफी लूंगी सिलाई के लिए और नीचे से तिरछी लाइन ड्रा कर लूंगी इस तरह से। नीचे से 1.5 इंच पे गुलाई करूंगी। गले की चौड़ाई 2 इंच, बैक साइड की गहराई 1.5 इंच, फ्रंट साइड की गहराई 2.5 इंच। अब इसकी कटाई कर लूंगी। फ्रंट साइड के कंधे की गहराई कर लूंगी। अब ये जो मैंने सिलाई लगानी है उस पर निशान लगा लूंगी। अब यहां पे सिलाई लगा लूंगी। ये सिलाई मैंने लगा ली है और साइड पे भी मैंने सिलाई लगा ली है। ये जो मैंने साइड पे पीस अटैच करना था उसे भी मैंने कर लिया दोनों साइड पे। अब मैं इसे सीधा कर लूंगी और ये जो दरमियान वाला पीस है उसे इस तरह से रख के इस्त्री से सेट कर लूंगी। इस तरह से सेट करके इसके ऊपर बटन अटैच करूंगी। बैक साइड पे भी मैंने इसी तरह से पीस अटैच कर लिए हैं दोनों साइड पे। इस्त्री से मैंने इसे सेट कर दिया। अब मैं इसके नीचे कपड़ा रख के कटाई कर लूंगी। गले के नीचे कपड़ा रख के कटाई करूंगी। इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके इसके नीचे रखूंगी। इसे भी इस तरह से फोल्ड करूंगी। इस तरह से इस पट्टी को इसके ऊपर गले के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लूंगी और इसे बैक साइड पे मोड़ दूंगी। इसी तरह से मैं बैक साइड के लिए भी तैयार कर लूंगी पट्टी। एक पट्टी मैं बैक साइड के लिए भी तैयार कर लूंगी। इसी तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए इसके नीचे रखूंगी। साढ़े 3 इंच का नीचे भी कट लगाऊंगी। अब इसका भी इजाफी पीस कटाई करूंगी।
इसके नीचे रख के मैं हुक अटैच करूंगी। जो मैंने बटन अटैच करना है पहले मैं इसके नीचे कपड़े के नीचे रख के हुक अटैच कर लूंगी, उसके बाद मैं साथ वाले पीस पे बटन अटैच करूंगी। ये दोनों पीस मैंने गले के साथ अटैच कर लिए। अब मैं इन पे हल्की हल्की काठी डालूंगी। इसी तरह से दूसरी साइड की सिली डालूंगी। ये मैंने हुक लगा ली है साथ ही। अब पहले मैं ये वाली सिलाई लगाऊंगी तीरे की। इस तरह से गले की सिलाई को मिलाते हुए यहां पे सिलाई लगा लूंगी, उसके बाद इस गले के किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। गले की इस सिलाई को बिल्कुल मिला लेना है साथ और ऐसे रख के तीरे की सिलाई लगा लेंगे। बाजू के ऊपर से ये पीस निकला, इस पीस से मैं बाजू तैयार करूंगी। इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी और इससे दो बाजू तैयार करूंगी। इसकी चौड़ाई 3 इंच है, डबल फोल्ड करूंगी। एक बार फिर फोल्ड करूंगी। अब मैं इसकी टाई कर लूंगी यहां से इस तरह से। ये दोनों बाजू तैयार हो गए। अब इन्हें शर्ट के साथ अटैच कर लूंगी। अब मैं फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी। स्टिचिंग इसकी मुकम्मल हो गई है। अब मैं इसके ऊपर बटन अटैच कर लूंगी। नीचे भी मैंने हल्का हल्का फोल्ड करके हुए सिलाई लगा ली है। अब मैं स्कर्ट की स्टिचिंग कर लूंगी। पहले मैं इस पीस पे पट्टी अटैच करूंगी। पट्टी पे मैंने सिलाई लगा के इसे सीधा कर ली है। अब मैं इसके दरमियान में रख के इस तरह से इसके दरमियान में सिलाई लगा लूंगी। इस पट्टी के दरमियान में सिलाई लगाऊंगी, बिल्कुल दरमियान में रख के।
दूसरी साइड की उसके साथ ये वाली पटनी अटैच कर ली है। अब मैं इसके ऊपर रख के इसके साथ भी ये वाली पटनी अटैच कर लूंगी इस तरह से। यहाँ पे भी सिलाई निकालूंगी और यहाँ पे भी। इस सिलाई मैंने इसकी लगा ली है। अब मैं इस तरह से चोंच डालूंगी ऐसे फोल्ड करते हुए। चार प्लेट्स एक साइड पे डालूंगी और चार ही प्लेट दूसरी साइड पे इस तरह से। इस साइड पे भी इसी तरह से प्लेट्स डालूंगी। इस कपड़े को मैंने इसलिए रखा था कि कितने प्लेट्स डलेंगे। चार प्लेट्स डलने के बाद, चार प्लेट्स डालने के बाद इसकी चौड़ाई मुकम्मल हो गई है। प्लेट्स डालने के बाद अब मैं ये वाला पीस इसके ऊपर अटैच करूंगी। इस तरह से इस्त्री करके दोनों साइड से मोड़ लिया। अब मैं इस तरह से इसे रखते हुए ऐसे इसे रख के सिलाई लगाऊंगी। अलास्किट डालने के लिए मैंने यहाँ पे सिलाई नहीं लगाई। पहले मैं अलास्किट डालूंगी, फिर यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी। अब मैं यहाँ पे सिलाई डालूंगी। अब इसकी चोंच बराबर करूंगी प्लास्टिक डालने के बाद ऐसे करके। और इसके बाद इसे खींचते हुए इसके ऊपर एक सिलाई डालूंगी और नीचे से हल्का हल्का फोल्ड करते हुए सिलाई डालूंगी इस तरह से। शर्ट और स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। माशाल्लाह बचे हुए कपड़ों से बहुत ही प्यारा ड्रेस तैयार हुआ है। बटन इस पे मैंने अटैच कर दिए।
बैक साइड बिल्कुल ही सादा, बहुत ही प्यारी बनी है। यहाँ पे भी मैंने बटन अटैच कर दिए। स्कर्ट के नीचे भी मैंने बटन अटैच किए हैं। ये मैंने एक पीस लेके 3 इंच चौड़ा उस पर सिलाई लगा के इस तरह से तिरछी उसे सीधा कर लिया था, और पहले इस तरह से रख के सिलाई लगा के फिर ऐसे मोड़ के यहाँ पे सिलाई लगा दी है। इसी तरह इस साइड पे भी इसे अटैच कर लिया। स्कर्ट पे इस तरह से इसे बांध रहे। अगर आपको ये ड्रेस पसंद आए तो इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। हमें बचे हुए कपड़ों से हम तरह तरह के ड्रेस तैयार कर सकते हैं डिजाइनिंग वाले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।